मैं हूँ आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ये खास रिपोर्ट सिद्धार्थनगर से। सिद्धार्थनगर जिले में आज सपा के पूर्व विधायक विजय पासवान ने प्रेस वार्ता कर केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। भाजपा की देश भर में चल रही आशीर्वाद यात्रा पर उन्होंने कटाक्ष किया। साथ ही पूर्व विधायक विजय पासवान ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब लोग लॉकडाउन में मर रहे थे उस समय भाजपा के मंत्री कहाँ थे। उन्होंने कहा कि गरीबों का जो राशन है इनके अधिकारी इसमें लूट खसोट कर रहे हैं। भाजपा आशीर्वाद यात्रा के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है। विजय पासवान ने दावा करते हुए कहा कि भाजपा की सारी हरकत जनता समझ चुकी है, इनके बहकावे में कोई नहीं आने वाला। 2022 में उत्तर प्रदेश सपा की सरकार बनने जा रही है। अखिलेश यादव के कमान संभालने के बाद ही सबका कल्याण होगा। सिद्धार्थनगर से असदुल्ला सिद्दीकी की रिपोर्ट। आशीर्वाद यात्रा आप भी जानते हैं, आशीर्वाद यात्रा किसके लिए मांग रहे हैं? ये जब कोरोना महामारी 2 साल से चल रही थी, तमाम परिवार अपने परिवारों को छोड़ दिया, पैदल चलते हुए रास्ते में कितने लोगों ने दम छोड़ दिया, कभी उनका आंसू पोंछने नहीं गए। तमाम 2 सालों से बच्चे घर बैठे हैं, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे, कुछ उनको पढ़ाई लिखाई करके आगे निकल रहे थे वो पढ़ाई लिखाई भूल के गाँव में मट्टी लगा के घूम रहे हैं। और जो घर गरीबों का राशन है इनके अधिकारी सब मिल के बांट खा ले रहे हैं। तमाम ऐसा भ्रष्टाचार इनका है जो अपना कृत्य छुपाने के लिए ये आशीर्वाद यात्रा बना के जनता को फिर से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम लोग 6 महीने से गांव-गांव जाने जाके नौजवानों को मन मन टटोला है और समाजवादी पार्टी फिर से अखिलेश यादव जी को याद कर रही है, फिर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरा उतावले है। हर नौजवान, हर समाज के लोग, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे पासी हो, चाहे चमार हो, चाहे मौर्या हो, सब लोग एक साथ अखिलेश यादव का इंतजार कर रहे हैं। सबको पता है जब तक अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की कमान नहीं संभालेंगे तब तक किसी का कल्याण नहीं हो सकता है, किसी नौजवान को रोजगार नहीं मिल सकता है, न नौकरी मिल सकती है। तो हम लोग ये जो यात्रा निकाले हैं आशीर्वाद यात्रा, ये ढोंग है, ये अपनी सारी बुराइयां छुपाने का है, नाकामी छुपाने का ये षड्यंत्र है। लेकिन जनता अब नहीं के बहकावे में आएगी और जनता समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के साथ खड़ी है। आप सभी को DFO चंदेश्वर सिंह की तरफ से स्वतंत्रता दिवस व रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को पीस पार्टी जिला अध्यक्ष इमरान मंसूरी की तरफ से स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को गुड़िया गुलशन खान पार्षद व पार्षद पति गुलशन खान की तरफ से स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को डॉक्टर आर एस सुधाकर की तरफ से स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को डॉक्टर अभिषेक की तरफ से स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को डॉक्टर रोहित यादव की तरफ से स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।